हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो हर लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है सूजन की। तो कभी पेट में सूजन हो जाती है, कभी बच्चेदानी में सूजन हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सूजन की आजकल समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है लेडीज़ों में। तो उस सूजन से कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें घरेलू उससे चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं जिससे सूजन आपकी कम हो सकती है। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा सूजन थी, तो बच्चेदानी में भी और वैसे सूजन भी थी। तो मैंने कैसे अपने आप ठीक की सूजन और क्या क्या मैंने किया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सकती है तो अच्छी बात है। तो इस वजह से मैंने सोची कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं और बनाऊं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये अंडी का तेल जो होता है उसे मैंने लाई थी खरीद के, क्योंकि मेरे सूजन बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा चेकअप भी चल रहा था, सरकारी अस्पताल से भी मेरी ट्रीटमेंट हो चुका था, फिर भी सूजन कम नहीं हुई। सब कह रहे थे बहुत सूजन है। फिर मैंने प्राइवेट में भी दिखाया, प्राइवेट में भी मेरी सूजन की दवाई चली और फिर भी सूजन नहीं पटक रही, पटक रही थी क्या बोलते हैं हा? तो इस प्रकार से मेरी सूजन का जहाँ भी दिखाते थे सूजन, पेट में दर्द। एक तो पेट इतना ज़्यादा फूल जाता था सिर्फ सूजन की वजह से, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सूजन मेरे बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कुछ घरेलू उपाय भी किए और मेरा कुछ दवाइयाँ भी चली, सरकारी दवाई अस्पताल से भी दवाई चली, प्राइवेट भी चली, और कुछ अपने हाथ में होता है खाना परहेज जो होता है, तो उस वजह से मैंने सोची कि जो मैंने किया है सूजन कम करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने अंडी का तेल मंगाई, मुझे जो सबने बताया वैसे वैसे मैं करती गई। तो सबसे पहले अंडी के तेल जो होता है वो जब डेट आती है, डेट के टाइम पे ही आप लोग अंडी का तेल पेट में लगा के और फिर गर्म बॉटल से कांच की बॉटल में सिकाई करें 7-8 दिन तक, फिर 10 दिन तक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी टाइम पे आप गर्म पानी ही पिएं उतने ही दिन, और फिर उसके बाद उसी टाइम पे आप लौंग या अजवाइन या मेथी इन सब का पानी रात में भिगो के सवेरे पी सकते हैं। मैंने अजवाइन और जीरा का पानी पिया था और रात में अंडी का तेल लगाती थी मैं और सिकाई करती थी 2 टाइम सुबह शाम। और फिर उसके बाद मैंने ये अंडी के जो पत्ते होते हैं वो उसमें मैंने डालडा लगा के पेट में रात रात भर बांध के रखते हैं, उससे भी सूजन में बहुत आराम मिलता है, सूजन बहुत पटकती है। तो इस प्रकार से मैंने ये सब किया। और फिर उसके बाद थोड़ा परहेज होता है जिसमें चावल नहीं खाते हैं, दही मठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए वरना सूजन और बढ़ जाती है, और भारी बर्तन भारी बाल्टी वगैरह सब नहीं उठानी चाहिए उस टाइम पे, लेट के टाइम, वरना सूजन बहुत फिर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत कुछ ट्राई की और मेरी दवाई भी चल रही थी, हमारी दवाई अपनी जगह है, दवाई अपनी करवाओ अच्छी से, लेकिन कुछ अपने हाथ में होता है परहेज करना और कुछ चीज़ें होम घरेलू चीज़ें भी बहुत सी फ़ायदा करती हैं, और ट्राई करने में क्या जाता है ट्राई करने में। तो मैंने ये सब भी ट्राई किया और फिर मुझे आराम भी मिला, जैसे मेरा पेट पहले फूला फूला सा लगता था तो वो थोड़ा कम हो गया, और इस प्रकार से मुझे बहुत आराम मिला। तो मैंने भी ये सब बहुत ट्राई किया था, तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूं। अगर आप लोग को भी सूजन की प्रॉब्लम है तो आप अपना दवाई अपनी चलाते रहिए, लेकिन जो मैंने टिप्स फॉलो किए हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर अंडी के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप ये अंडी का तेल ले सकते हैं। तो इस प्रकार की अंडी की तेल की मैंने बॉटल मंगाई थी, ऐसा तेल होता है, और इसे अंडी के पत्ते नहीं मिलते तो इसे लगा के और फिर थोड़ी देर बाद सिकाई करके और फिर रात में और दिन में भी कर सकते हैं, और इस तरीके से सूजन आपकी बहुत जल्दी पचक जाएगी और ठीक हो जाएगी दिक्कत जो भी समस्या है। और सूजन में बहुत दिक्कत होती है, और सूजन के लिए ये
सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और मेन है आपका परहेज, आपको दही मीठा चावल इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं ठंडी चीज़ें नहीं खानी है इसमें, और गर्म चीज़ें खाओ तभी आपकी सूजन ठीक होगी। और मेरे हिसाब से तो आप ये भी चीज़ें करके देखिए और अपनी दवाई भी चालू रखिए। मैंने यही की थी, मैंने अपनी दवाई भी चालू रखी थी और मैं अपना घरेलू जो होता है वो भी करती रहती थी। मैंने परहेज़ भी किया, चावल भी मैंने नहीं खाए बहुत दिनों तक, महीनों तक, और फिर उसके बाद भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने सोची कि जब क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, ताकि कुछ हेल्प मिल सके आप लोगों को भी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोची कि कुछ हेल्प मिल सके आप लोगों को भी इस वीडियो से, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए। और बहुत लोग अजवाइन भी बहुत गर्म होती है, तो उस टाइम पे आप अजवाइन को रात में भिगो के रख सकते हैं, और भूल जाए भिगोना तो आप सवेरे बॉईल करके भी उसे छान के पी सकती हैं। और इस प्रकार से कोशिश करिए, ट्राई करिए, सूजन में बहुत आराम मिलेगा। और मेरी तरह मैंने सोची कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए भी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ही यूज़फुल होगी, और लेडीज़ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।